तो दोस्तों, आज मैं आपके एंड्रॉयड फ़ोन की तीन ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ जिससे आप अपने समय को बचा सकते हैं। वो कैसे, तो आप इस वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। सो नमस्कार दोस्तों, मैं राजाराम प्रसाद और आप देख रहे हैं सीखे ऑल इन हिंदी। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट ट्रिक से। तो फर्स्ट ट्रिक है हमारा, आपके एंड्रॉयड फ़ोन में अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी आप अपने मोबाइल में बार्स देख रहे हैं, यानी कि जितने भी आइकन्स देख रहे हैं, उन सभी का अगर आपको मैप चेक करना होगा कि वो कितने एरिया कैप्चर किए हैं सभी चीज़ों को, तो आप बहुत ही आसानी तरीक़ों से ये सब चेक कर सकते हैं। और ये आप बिना रूट के या फिर आप बिना लैपटॉप के भी आप चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा शो लेआउट बॉन्ड, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी मोबाइल में आपने लेआउट यूज किया होगा कंपनी ने या फिर जो भी इस मोबाइल को डेवलप किया है, सारे के सारे लेआउट आपको यहाँ पे आपके सामने दिख जाएगा। तो ये उतनी खास है नहीं फीचर, बट अगर आप कुछ चेक करना चाहते हैं अपने मोबाइल में तो फिर आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके मोबाइल में यहाँ पे ना दिखे तो आपको जाना होगा यहाँ पे एडिट के सेक्शन में, और एडिट के सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे और आइकन दिखेंगे, उन्हें आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐड कर लेंगे। अपने दूसरे ट्रिक की ओर, तो दूसरा ट्रिक हमारा यहाँ पे स्टेटस बार में है, जो कि मैंने यहाँ पे एक ऐड किया है सर्च बटन को। अब आप इसे कैसे ऐड कर सकते हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप सर्च पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप अपने मोबाइल में जितने भी आपके फाइल हो, फोल्डर हो, म्यूजिक हो, गाना हो, कॉन्टेक्ट हो, जो कुछ भी है, आप सारी की सारी यहाँ पे आप शॉर्टकट से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ परमिशन अलाउ करना होगा, जैसे कि आपका अगर स्टोरेज अगर आपका लेता है तो उसके लिए आपको परमिशन को अलाउ करना होगा। तो चलिए हम इसका परमिशन दे देते हैं। यहाँ पे हम जो भी आप सर्च करना चाहते हैं वो आप सिंपली यहाँ पे आप क्लिक करके अब जो कुछ भी आप सर्च करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई म्यूजिक सर्च करना चाहता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपके फाइल फोल्डर में एक म्यूजिक है आपके फोल्डर, वो यहाँ पे सर्च करके ला दिया। कोई ऐप है म्यूजिक, वो यहाँ पे आपको सर्च करके ला दिया। तो यहाँ पे आप इस तरीके से आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। अब इसे ऐड करने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है फास्ट फाइंडर, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ ऑलरेडी। अब बात करते हैं तीसरे ट्रिक की। तो तीसरा ट्रिक हमारा बहुत ही खास है। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर जगह के, जैसे कि यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे जूम करना चाहें तो आप कर नहीं सकते, कोई एप्लीकेशन में अगर वहाँ पे जूम का ऑप्शन नहीं है तो आप वहाँ पे कर नहीं सकते हैं। बट आज मैं जो आपको ट्रिक बताऊंगा उससे आप कहीं भी किसी भी प्लेस में आप जूम कर सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, आपको जाना है आपके मोबाइल के सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको एसेसिबिलिटी फाइंड करना है। देख सकते हैं यहाँ पे सिस्टम का ऑप्शन में आपको एसेसिबिलिटी मिलेगी, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, और जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन फाइंड करना है, और उस ऑप्शन का नाम है मैग्निफिकेशन जेस्चर। अब इसे अगर आप ऑन कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं भी ऑन कर देता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ कि इसे ऑन करने के बाद क्या फ़ायदे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप ऐसे करके जूम करेंगे तो होगा नहीं, बट अगर आप इस पर डबल टैप करेंगे अब उसके बाद यहाँ पे आप जितना जूम करना चाहते हैं, जूम आउट करना चाहते हैं, आप अपने होम स्क्रीन को जहाँ चाहें आप वहाँ पर जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर जगह पर जूम करना चाहते हैं, लाइक यहाँ पर मैं अगर जूम करना चाहता हूँ तो यहाँ पर भी कर सकता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर डबल टैप किया, अब देख सकते हैं यहाँ पे हमने जूम कर लिया। अब इसे आप जूम छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी कमाल की ट्रिक है, अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको तीनों ट्रिक में से कोई भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन एंड गुड बाय।